नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेकरी। आज के इस वीडियो में हम चोल वंश के पहले भाग की बात करेंगे, यानी आज इस वीडियो में हम चोल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको चोल वंश को समझने में आसानी होगी। और इसके बाद आने वाले भाग में हम चोल वंश की प्रमुख विशेषताएं या फिर सामाजिक आर्थिक दशाओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में हम चोल वंश के प्रमुख शासकों को। दोस्तों कहते हैं जीनियस लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो थोड़ा ज़्यादा ही जीनियस हूँ इस मामले में मैं, और मेरी भी राइटिंग कुछ ऐसी है कि आपको कहीं कहीं गलतियाँ दिखेगी, राइटिंग थोड़ी शायद उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन प्लीज़ काम चलाइएगा, क्योंकि वक्त आने पर डॉट 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 को भी बनाना पड़ता है डॉट डॉट डॉट। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर चोल राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में। चोल वंश सुदूर दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक था। संगम काल में चोलों ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर रखा था, परंतु बाद के समय में वे शक्तिशाली पल्लवों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत की भांति रह गए और उनका पतन हो गया। लेकिन 9वीं सदी के मध्य से उनकी शक्ति का पुनरुत्थान हुआ और इस अवसर पर वे सुदूर दक्षिण की एक महान शक्ति बन गए। 200 वर्षों से अधिक समय तक चोलों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के सभी भूभागों पर और अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थापित रखा तथा शासन और सभ्यता के विकास की दृष्टि से दक्षिण भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर हम विजयालय चोल की बात करते हैं, जो कि चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। 850 ईस्वी से 871 ईस्वी इनका शासनकाल था। 9वीं सदी में चोल शक्ति की स्थापना में प्रमुख भाग विजयालय ने लिया। विजयालय पल्लव शासकों के अधीन एक शक्तिशाली शासक था। उसने पल्लव और पांड्यों से तंजोर छीनकर उरियर के स्थान पर तंजोर नगर को अपनी राजधानी बना दिया। इस प्रकार उरियर से बदल कर अब तंजोर, तंजावुर या फिर थंजावुर इनकी राजधानी हो चुकी थी। यहाँ पर विजयालय ने कावेरी की निम्न घाटी और कोलसन घाटी को विजय किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों यहाँ पर जो शासक हैं और जो इनका समय काल है, अगर आपको ध्यान होता है तो ठीक है, वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आगे चलकर हम राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे, राज की बात करेंगे, तो वो काफ़ी प्रसिद्ध राजा हैं जिन्हें महान शासक की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपको उनके बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी पता होनी चाहिए, ताकि आप अपनी परीक्षा में इस्तेमाल कर सकें। बाकी आपको सब कुछ याद रहे ये ज़रूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर विजयालय चोल वंश का संस्थापक है। फिर इसके बाद इनका पुत्र आदित्य प्रथम गद्दी पर बैठता है 871 से 907 ईस्वी तक। आदित्य ने पल्लव शासक को पराजित किया और पांड्यों के विरुद्ध सहायता दी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो आदित्य प्रथम थे, उन्होंने पल्लव शासक अपराजित को पांड्यों के विरुद्ध सहायता दी। बाद में 893 ईस्वी के लगभग उसने अपराजित को परास्त करके मार दिया। यानी कि पहले उसने अपराजित के साथ मिलकर पांडवों को हराया। फिर जब सब ठीक चल रहा था, तो फिर उसने अपराजित को परास्त करके उसे मार दिया और जो संपूर्ण क्षेत्र था टोंट मंडल पर अपना अधिकार करके चोल साम्राज्य के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी हम कह सकते हैं कि जो विजयालय चोल है, उन्होंने नींव डाली थी, लेकिन उस नींव को मजबूत या स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का कार्य आदित्य प्रथम ने किया था। पल्लवों का बचा हुआ सभी राज्य उसके हाथों में चला गया। और इत्तेफाक ही कहिए कि आगे चलकर ये फिर जो पांडव होते हैं, जिनके साथ ये शुरुआत में बहुत लड़ाई करते हैं और बहुत उन्हें कूटते पीटते हैं, आगे चलकर इन्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है जब चोलों का पतन होने लगता है। उसके पश्चिमी गंगों को भी अपनी अधीनता मानने के लिए बातें किया। उसने अपनी राजधानी तंजौर में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया और उसे सुंदर बनाया। ये जो चोल साम्राज्य के राजा थे, ये सभी शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे, भगवान शिव के उपासक थे।
परंतक प्रथम की बात करते हैं तो 907 से 993 ईस्वी इनका शासनकाल था। परंतक ने श्रीलंका और पांड्य शासक राजसिंह की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करके राजसिंह के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उसने वाड़ों और वैदुम्बों को परास्त किया तथा बल्लाल के युद्धों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को परास्त किया। परास्त करके पैनल नदी के दक्षिण के संपूर्ण भूप्रदेश पर अधिकार कर लिया। परंतु चोलों की शक्ति के इस तीव्र विकास को राष्ट्रकूट शासक सहन न कर सके और कृष्ण तृतीय ने गंग शासक के साथ मिलकर चोल राज्य पर आक्रमण किया। 949 ईस्वी में तक्कोलम नामक स्थान पर चोल सेना की पराजय हुई और चोल युवराज इस युद्ध में मारा गया। राष्ट्रकूटों ने टोंड मंडल को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। चोलों की यह पराजय इतनी गंभीर थी कि अगले 32 वर्षों तक चोल दक्षिण की राजनीति में नगण्य बने रहे। परांतक प्रथम के पश्चात संभवतया सुंदर चोल अथवा परांतक द्वितीय 957 से 973 ईस्वी तक तोंड मंडल मतलब शासन करता रहा और इसने तोंड मंडल को पुनः प्राप्त करने में सफलता पाई थी। इनके बाद राजराज प्रथम राजा बनते हैं और 985 से 1014 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। दोस्तों, चोल वंश के सबसे महानतम शासक में राजराज प्रथम है। अरमोली बर्मन प्रथम इनका मूल नाम था और राजराज इनकी उपाधि थी, और राजराज उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे। वह चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। चोलों की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का श्रेय राजराज को गया। उसने पश्चिमी गंगू, बैंगी के पूर्वी चालुक्य, मदुरा के पांडवों और कलिंग के गंगू और जो केरल के चेर थे उन्हें परास्त किया और संपूर्ण सुदूर दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया और उसकी सहायता से कुर्ग, संपूर्ण मालाबार तट, श्रीलंका, लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप, मालदीप के द्वीपों पर विजय हासिल की। राजराज प्रथम अपने जीवन में शैव धर्मावलंबी था। उसने राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया जो कि तमिल वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना है। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की। दोस्तों, राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसका निर्माता राजराज था और ये चोलकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में राजेंद्र प्रथम बैठता है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि राजराज ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। इससे पहले जहाँ तक राजा के मरने के बाद नया उत्तराधिकारी चुना जाता था और वो राजा बैठता था, लेकिन अब राजराज ने इस परंपरा की शुरुआत की कि राजा जिंदा रहते ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था और उसे राजकुमार यानी कि राजकुमार की तरह ट्रीट किया जाता था, नए होने वाले राजा की तरह, और उसे शासन व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता था यानी कि उसे सिखाया जाता था कि किस तरह से आपको आगे चलकर शासन करना है। इससे उसे आगे की आने वाली समस्याओं या चुनौतियों के सामने करने में आसानी मिलती थी। तो इस तरह से राजराज ने अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया जो कि राजेंद्र प्रथम थे और इन्हें राजकुमार की तरह देखा गया। तो हम कह सकते हैं कि उसने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी राजकुमार को अपने समय में ही शासन में सम्मिलित करने की परंपरा को आरंभ किया और एक अच्छे स्थानीय स्वशासन की नींव डाली जो कि आगे भी चलते रही और यही चोल काल की या फिर चोल साम्राज्य की मजबूती का आधार बनी। इनके बाद राजेंद्र प्रथम राजा बने और ये भी एक महान राजा थे। 1014 से 1044 तक इनका शासन रहा। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि इतिहास में जो भी महान शासक रहे हैं उनका कार्यकाल छोटा ही रहा, लेकिन उस छोटे कार्यकाल में भी उन्होंने वो महान काम कर दिए जिनके कारण उन्हें महान कहा गया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जीवन छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कामों से जाने जाएंगे। यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने पांडे और चेर राज्यों के साथ ही श्रीलंका विजय हासिल की। उसने पश्चिमी चालुक्यों के शासक जयसिंह के बैंगी पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के प्रयत्न को असफल किया और बाद के समय में चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के राज्य पर आक्रमण करके उसे लूटा। राजेंद्र
राजेंद्र ने कलिंग उड़ीसा और बस्तर के मार्ग से पश्चिम बंगाल पर आक्रमण किया और वहाँ के शक्तिशाली पाल शासक महिपाल को परास्त किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उत्तर भारत में राजेंद्र प्रथम का आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था और उसने उत्तर भारत के किसी भी राज्य पर आधिपत्य नहीं जमाया, आक्रमण करके वापस आ गया। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिण भारत में एक बार समुद्रगुप्त आया था, उसने मलाया, जावा, सुमात्रा आदि में स्थापित महान शैलेंद्र साम्राज्य पर नौसेना से आक्रमण किया। यानी कि जो शैलेंद्र साम्राज्य था वो वर्तमान के इंडोनेशिया में था, क्योंकि मलाया, जावा, सुमात्रा आदि द्वीप इंडोनेशिया के मुख्य भाग हैं। तो यहाँ पर इंडोनेशिया के शैलेंद्र साम्राज्य पर उसने नौसेना से आक्रमण किया और वहाँ के शासक श्रीविजय ने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह अपने पिता के शासनकाल में ही एक मजबूत नौसेना का निर्माण हो चुका था। और हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक काल में नौसेना का महत्व इंग्लैंड के लिए था, चोल काल में या फिर भारत के इतिहास में वही महत्व चोल साम्राज्य के लिए था, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी शक्ति इनकी नौसेना थी। राजेंद्र एक योग्य व महान शासक थे। वह अरब सागर में नौसेना की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाला पहला भारतीय शासक था। उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक अपनी राजधानी को बसाया और कह सकते हैं कि तंजावुर से उसने नई राजधानी शिफ्ट की गंगईकोंड चोलपुरम में। तो सबसे पहली जो इनकी राजधानी थी वो उरियोर थी, जो कि जो विजयालय चोल थे जो कि संस्थापक थे उन्होंने उस राजधानी को बनाया था। और फिर उसके बाद में उस राजधानी से परिवर्तित करके विजयालय चोल ने नई राजधानी कौन सी कर ली थी, तंजावुर कर ली थी। और फिर अब जो राजेंद्र प्रथम है, इन्होंने राजधानी को तंजावुर से बदलकर गंगईकोंड चोलपुरम कर दी है। और फिर वहाँ अनेक मंदिरों और महलों को बनवाया तथा कोल गंगम नामक एक झील का भी निर्माण कराया। और इस उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। उसने अन्य उपाधि भी धारण की थी। दोस्तों, इतिहास में राजाओं को उपाधि धारण करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि भविष्य में आने वाले बच्चों को कितनी परेशानी आएगी। अब देखिए, इन्होंने वीर राजेंद्र, परकेसरी वर्मन और मुंडीगोंड चोल, पंडित चोल का ये क्या लिखा भाई, कडारकोंड तथा गंगईकोंड चोल जैसी उपाधि धारण की थी। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गंगईकोंड चोल ही है और ये इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि इनकी नई राजधानी थी गंगईकोंड चोलपुरम, जिसके आधार पर इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। इसके बाद में हम देखें जो राजधिराज अगले राजा बनते हैं 1044 से 1052 ईस्वी। उसके पुत्र का अधिकांश समय, यानी कि जो राजेंद्र प्रथम का पुत्र राजाधिराज था, इसका अधिकांश समय पांडे और श्रीलंका के विद्रोह को दबाने में व्यतीत हुआ। और उसने 1052 में चालुक्य शासक सोमेश्वर को परास्त करने में भी सफलता पाई, परंतु वह इसी युद्ध में मारा गया। इनके बाद में राजेंद्र द्वितीय राजा बनते हैं 1052 से 1064 ईस्वी। राजेंद्र ने पश्चिमी चालुक्यों और श्रीलंका के राजाओं से युद्ध किया और अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने में सफलता पाई। राजेंद्र के पश्चात वीर राजेंद्र 1064 से 1070 ने श्रीलंका और शैलेंद्र साम्राज्य यानी कि इंडोनेशिया पर अपने आधिपत्य को सुरक्षित रखा और चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम और सोमेश्वर द्वितीय को परास्त करने में सफलता पाई। उसके पश्चात उसका पुत्र अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी शासक बना, परंतु कुछ विद्रोहियों द्वारा वह शीघ्र मारा गया। यहाँ पर राजेंद्र प्रथम नाम का एक शासक क्या महान हो गया, तो सभी को लगने लगा कि हमारा नाम भी अगर राजेंद्र हो जाएगा तो हम भी महान हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादातर राजाओं के नाम या तो राजेंद्र देखेंगे या फिर किसी महान राजा के नाम पर ही वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थ्री ऐसे चलते रहेंगे, जैसे राजाधिराज या फिर राज राजेंद्र। तो इनके बाद में जो कुलोत्तुंग
कुलोतुंग प्रथम राजा बनते हैं 1070 से 1120 ईस्वी। आदि राजेंद्र के पश्चात चोल वंश की मध्य शाखा समाप्त हो गई और उसके पश्चात उसका बहनोई कुलोतुंग प्रथम राजा बना। कुलोतुंग ने पांडे और केरल के शासकों को परास्त किया। अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के एक राजकुमार से किया। कन्नौज, कम्बोज और चीन और ब्रह्मा यानी कि बर्मा की बात हो रही है, मैं अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। कन्नौज की बात करें तो इस समय पर जो 1070 के समय पर कन्नौज में जो राजपूत राजा थे वो शासन कर रहे थे। कुलोतुंग प्रथम के उत्तराधिकारी विक्रम चोल, कुलोतुंग द्वितीय राजराज द्वितीय राजाधिराज द्वितीय, कुलोतुंग तृतीय राजा राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय ने एक सदी तक यानी कि 1120 से 1279 एक सदी से भी अधिक समय तक इन्होंने शासन किया। परंतु उनके समय में चोलों की शक्ति निरंतर दुर्बल होती गई और पांडे, होयसल, काकतीय और पूर्वी गंग वंश के शासक उनकी सीमाओं को छोटा करते चले गए। जो राजेंद्र तृतीय थे जो कि अंतिम स्वतंत्र शासक हुए, उसके बाद में ये पांडवों के अधीन आ जाते हैं, तो 1246 से 1279 इनका शासनकाल था। राजराज तृतीय के बाद 1246 में राजेंद्र तृतीय चोल राज सिंहासन पर बैठा। युवराज काल में संभवतः उसने पांड्य राज्य को जीत लिया था, यानी कि जो अगला राजा बनने वाला होता है उसे युवराज कहते हैं और उसे युवराज घोषित कर देते हैं। जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़ा बेटा ही होगा, जो सबसे योग्य होता है और जो सबसे ज़्यादा करीब होता है राजा के उसे युवराज घोषित किया जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने होयसल एवं काकतीय राज्यों को भी पराजित करके अपने साम्राज्य में कुछ समय के लिए सम्मिलित किया था। लेकिन 1250 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति ने आक्रमण कर कांची पर अधिकार कर लिया और सुंदर पांडे ने भी होयसल नरेश की सहायता पाकर चोल राज्य पर आक्रमण किया था। फलतः विवश होकर उसने पांड्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। लगभग 1279 ईस्वी तक पांड्यों के अधीन रहा और सामंत शासक बना रहा। परिणाम स्वरूप चोल शासित प्रदेश पर शक्तिशाली पांड्य राज्य की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई और इस तरह चोल साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा अजीब प्रकार से आपको लगे कि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर समझाई नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर सीधे फैक्ट फैक्ट की ही बातें थी। एक कहानी की तरह आपको सुनाना था जो कि मेरा उद्देश्य था, जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक ये वीडियो बन गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम का होगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सच्ची लगन तथा निर्मल उद्देश्य से किया हुआ प्रयत्न कभी विफल नहीं होता, इसलिए हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, आप सफल होंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय।